भाजपा सरकार द्वारा पकोड़े का ठेला लगाकर पकोड़े के काम को अच्छा काम बताकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर बेरोजगार घूम रहे नौजवानों के जख्मों पर नमक डालने का काम किया था। कल चंडीगढ़ में नरेंद्र मोदी की रैली के बाहर बेरोजगारों द्वारा पकोड़ा उद्योग खोल रखा। ये बेरोजगार मोदी को दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने देश के बेरोजगारों को पकोड़ा उद्योग का जो लॉलीपॉप दिया है वो BALLB बेरोजगार नौजवानों को कितना रास आ रहा है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और उनके पकोड़ा उद्योग को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी ने रोजगार दिया पकोड़े का, इंजीनियर का पकोड़ा। पकोड़े पकोड़े BA के पकोड़े LLB के पकोड़े 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 लो जी पकोड़े खा लो भाई पकोड़े। मोदी जी ने नया रोजगार दिया है पकोड़ा योजना, जो हम आज मोदी जी के लिए स्वागत के लिए पकोड़े लेके आए हैं। मोदी जी ने हमें रोजगार दिया था पकोड़े का, आज मोदी जी की रैली में हम पकोड़े बेचने आए हैं ताकि मोदी जी को पता लगे कि पकोड़े बेचना कितना उत्तम और महान काम है। एक पढ़े लिखे इंसान और पढ़े लिखे व्यक्ति रोजगार नौजवान युवा के लिए इतना बड़ा काम है। नौजवान पीढ़ी को मोदी जी ने पकोड़ा योजना दी है। चलो मैडम पकौड़े जी, पकौड़े मोदी जी के पकौड़े जी LLB के पकौड़े।